नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता। आज आप सभी के बीच आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लासेस में मेरे द्वारा बताया जाना है कि कैसे आप तथ्यात्मक प्रश्नों की तैयारी करें कि जब आप सभी की परीक्षा में तथ्यात्मक प्रश्न पूछा जाए तो आप 100% प्रश्नों का सही उत्तर दें। साथियों, आज जो रणनीति बताई जानी है वो रणनीति स्वयं मेरे द्वारा अपनाई गई थी, जिसके क्रम में मैं सफलता प्राप्त की। तो आइए जानते हैं वे कौन सी रणनीति है जो न्यूनतम समय में आप सफलता प्राप्त करने के लिए आपके लिए बेहद उपयोगी है। साथियों, जब भी मैं कोई भी स्टडी मटेरियल का अध्ययन की हूँ तो प्रथम स्टडी के क्रम में ही मेरे द्वारा हाइलाइटर से उसे हाईलाइट किया गया है या अंडरलाइन किया गया है, ताकि जितने भी ज़रूरी तथ्य हैं उसको दूसरे रिवीजन के क्रम में रिवाइज़ किया जा सके, याद किया जा सके, जब प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो उसे प्रत्येक दशा में सही किया जा सके। तो आपके सामने मैं आप सभी को गाइडेंस दे रही हूँ कि यदि मैं संविधान के 8वीं अनुसूची की तैयारी करती तो कैसे पढ़ती, उसी के बारे में बता रही। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पे सारे अंडरलाइन देखे हैं, ठीक किस किस प्रकार से मैं कही, तो मान लीजिए अंडरलाइन ये जितना बनाया गया है उसे ये सोचिए कि अंडरलाइन नहीं बनाया गया है, ठीक है, प्लेन होता, ठीक। लेकिन जब मेरे द्वारा पहली बार रिवीजन किया जाता तो पेन से ये आप देख रहे हैं पहले क्रम में ये जो ग्रीन मैं आपको ठीक करिए प्रथम रिवीजन के क्रम में इसे टिक किया गया है, ठीक है, प्रथम रिवीजन के क्रम में, यहाँ सारे को आप देख रहे हैं प्रथम रिवीजन के क्रम में टिक किया गया है। जब मेरे द्वारा दूसरा रिवीजन किया गया इस संविधान की 8वीं अनुसूची में तो क्या पढ़ा गया, फिर पिंक कलर से आप ये देख रहे हैं इसे बोल्ड किया गया, ठीक है, ये सारा देख रहे हैं पिंक कलर से ये सब बोल्ड किया गया। और जब तीसरा रिवीजन किया गया तो इसमें क्या बोल्ड किया गया, मात्र 22 मान्यता प्राप्त भाषा 8वीं अनुसूची में और आपका ये 92वां संविधान संशोधन। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि जब मेरे द्वारा रिवीजन किया गया तो जितने भी जरूरी तथ्य हैं उस पर ही टिक लगाया गया है, और जब दूसरा रिवीजन किया गया तो उससे भी महत्वपूर्ण जरूरी फैक्ट पर टिक लगाया गया, ताकि मैं जब दोबारा पढ़ूँ तो कम समय में अधिकतम तैयारी कर सकूं। मैं हमेशा कहती हूं सफलता की रणनीति है हर दिन अपने फैक्ट का रिवीजन करना, जो पढ़े हैं उसका बार बार रिवीजन करना, क्योंकि जो पढ़े हैं यदि आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो वो याद नहीं होगा। और आप में से ढेरों हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनकी ये समस्या है कि मैम पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, कैसे याद करूं। तो साथियों, आपको सब नहीं पढ़ना, आप देख रहे हैं जितना भी यहाँ पर टिक लगा है उसको आप पढ़िए, एक बार नहीं कम से कम दो बार पढ़े, तीन बार कर पढ़े, चौथी बार ये कंडीशन आएगा कि आप मात्र इसमें से लास्ट मोमेंट में बस 22 मान्यता प्राप्त भाषा पढ़ेंगे और 92 अमेंडमेंट पढ़ेंगे, बाकी ये जितने भी आप अंडरलाइन देख रहे हैं सब आपको याद हो जाएगा, आपके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में ये तमाम फैक्ट चले जाएंगे, जिसके क्रम में आप सारे प्रश्नों का सही उत्तर करने वाले हैं। तो साथियों, जब भी पढ़े अंडरलाइन करके पढ़े, यही एकमात्र तरीका है फैक्ट को तैयार करने का। यदि आप चाहते हैं सफलता प्राप्त करना तो इस रिवीजन के क्रम को ज़रूर अपनाएंगे। साथियों, फिर से एक बार बताती हूँ, पहले रिवीजन में आप पेन से अवश्य अंडरलाइन लगाइए, फिर आप जब दूसरा रिवीजन करेंगे तो ये सब देख रहे हैं बिना टिक का, इसे पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, इससे क्या हुआ आपका समय बचा। और जब दूसरा रिवीजन करें तो दूसरे कलर से आप टिक लगाइए, आप देख रहे हैं यहाँ 8वीं अनुसूची पे पिंक कलर का ये जो बोल्ड किया गया है उसको लगाया गया, अर्थात दूसरे रिवीजन में मेरे द्वारा मात्र पिंक वाला जो सेक्शन है उसको ही किया गया, और तीसरे रिवीजन में मात्र दो जहाँ इम्पॉर्टेंट लिखा गया है, अर्थात आप 22 मान्यता प्राप्त यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तीसरा आपका ये यानी तीसरे रिवीजन में, और चौथे रिवीजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि चौथे रिवीजन के क्रम में आप परीक्षा हॉल में होंगे और सारे प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे होंगे। तो साथियों, इस रणनीति को अपनाइए, बिल्कुल आप सभी की जो समस्या है कि आप पढ़े हुए को कैसे याद करें ये समस्या दूर होगी, साथ ही साथ
तमाम महत्वपूर्ण तथ्यात्मक क्वेश्चन आप सही करेंगे। ध्यान रखें, एग्ज़ाम में जितने भी विश्लेषणात्मक क्वेश्चन होते हैं उससे गूढ़ता से आप परीक्षण करेंगे तो आप अवगत होंगे कि सारे क्वेश्चन क्रमांक श्रेणीबद्ध सुमेलित करने वाले क्वेश्चन कथन कारण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो तथ्यात्मक बेस पे ही आधार होते हैं। और जब आपके तथ्य क्लियर होते हैं तो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन भी आप सहजता के साथ सॉल्व करते हैं। तो साथियों, इसी आशा उद्देश्य विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। निश्चित रूप से यह क्लास आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होगा। अवश्य ही पढ़ने के दौरान आप अंडरलाइन करें, प्रथम स्टडी क्रम में, द्वितीय क्रम में बोल्ड करें, तृतीय क्रम में इम्पॉर्टेंट मार्क लगाएं, ताकि आप सभी एग्ज़ाम के दौरान अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, सभी प्रश्नों का सही उत्तर देंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य मात्र आप सभी को सफलता के मार्ग की ओर अनुगमन ले जाना ही नहीं है, बल्कि बेहतर रैंक भी दिलाना है। क्योंकि रैंक निर्धारित करता है आपके सफलता के बाद आपके आने वाले प्रमोशन के उज्ज्वल भविष्य का। तो साथियों, इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी इस मेथड को अपनाएंगे, अपनी लाइफ में सफलता के मार्ग को अवश्य ही प्रवेश कराएंगे। ऑल द बेस्ट।